अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपके दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का दिन ज़्यादा ख़ास नहीं रहा, थोड़ा बोर रहा, कोई ख़ास काम नहीं था और बस अब सारा काम वाम करके मैं बैठी थी, तो मैंने कहा चलें आप लोगों से मिलते हैं और दिखाते हैं सब क्या कर रहे हैं। शिफा क्या हो रहा है? सलाम करते हैं पहले। मीना क्या कर रही हो आप? खेल रही हो? आपने पढ़ा नहीं? अब आप भी तो पढ़ती हो, बताओ सबको पीछे। ओके दिखाओ क्या पढ़ा है आपने। ट्यूशन से आ गई आप लोग ना? अभी आई। हाँ जी। तो फ्रेंड्स ये हुरिया मैडम, क्या हो रहा है? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा दिखाओ। सही है, चेक करो। अच्छा तो चले मिलते हैं वानिया से, वो क्या कर रही हैं। और फ्रेंड्स मैं गई हुई थी बाहर थोड़ा भाईजान के साथ सामान लेने के लिए। ये प्याज लेकर आई, मूली लेकर आई। मूली का मौसम है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। और थोड़ी सी प्याज वगैरह ली मैंने, हमारे यहाँ मेहमान में तो बहुत महंगी प्याज मिलती है। थोड़ी सी डैमेज प्याज है, लेकिन एक ही प्याज सही मिल गई, अच्छी मिल गई थी, थोड़ा आगे से लिए मैंने जी। तो फ्रेंड्स मम्मी बना रही हैं, मम्मी क्या बना रही हैं? राजमा। हाय हेलो कर ले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ तो मम्मी बना रही हैं राजमा। अच्छा वैसे तो मम्मी अपने तरीके से बनाती हैं, आज मैंने इनको टिप दी कि आप किस तरह बनाएं टमाटर वगैरह। टमाटर तो खैर ये भी डालती हैं, लेकिन मैंने आज दूसरे तरीके से बताया इनको। हाँ तो अब देखें कैसा बनता है, टेस्ट करते हैं अभी। और वहाँ क्या बन रहा है? क्या बन रहा है मानिए? पुलाव। पुलाव। अच्छा सही। और प्याज रखने के बाद चिकन धो रही हो? हाँ मैंने कहा कि आज भी होती रहेगी। ठंड हो रही है बाहर, मैं भी गई थी ना, खासी ठंड लग रही थी। बाजा ने मुझे बुलाया था नीचे, तो उसकी ज्यादा मुझे ठंड लग रही थी। वो हर जो मामू मिन्हा पीछे लग गए लोग के जाने के लिए, इसके धोखे में मैं सर्दी में मरी। कह रही यहीं तक जा रहे हैं भाईजान, मुझे भेज दिया और मैं इतनी दूर ऐसे ही चली गई। भाजन ने जो मुझे रास्ता बोला मैंने उस रास्ते से बता दिया, मैंने अपने हिसाब से सही बताया था, भाजन अपने हिसाब से। वैसे ही मुझे इतनी सर्दी लगने लगी, मैं ऐसी अबाया पहन के बस स्कार्फ पहन के चली गई। और वो बाहर जब मैं निकली इतनी ठंड हो रही थी और मिन्हा भी ऐसी चली गई। ये मटर हैं, आए हैं ये प्याज सुबह डालूंगी उसको साफ करके। चिकन में डालेंगे मटर। हाँ चिकन के साथ मटर डाल दो आज। मैंने तुम्हारी जो है ये चूल्हा तेज कर दिया था। चिकन दोस्तों तो शिफा की तबीयत अभी कुछ बेहतर है, बिल्कुल ठीक हुई, तो आप लोग इसलिए जल्दी से दुआ करिए। चाइल्ड की स्कूल भी इसी खांसी में और बुखार उखार में। सुबह भी जब मैं उठी थी इसको उतनी खांसी हो रही थी, मैं खास तौर पर इसकी खांसी में से उठकर आई थी। और जो ना वो खांसी में ऐसी गई स्कूल, पहले था कि वो स्कूल वाले शायद तबीयत देख के खुद छुट्टी दे देंगे, मैं पढ़ ना कर रहा हूँ, लेकिन ये कि उन्होंने छुट्टी दी नहीं तो। लेकिन उनका सारा दिन गुजर गया, कहेंगे मम्मा आप मुझे लेने के लिए आएंगे, जल्दी लेने के लिए आएंगे, उन्होंने मुझे बोला था। मैं गई नहीं, टाइम पर आएंगे अपने। हाँ दोस्तों तो मैं पूछ लूँ वानिया से खाने का कितनी देर हो गई, घंटे लगा दिए, भूख लग रही थी। रेडी है, बस दस्तरखान लगाएंगे। अच्छा इनको क्या हुआ? पिटी है मुझसे। अच्छा इधर 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 जी भाई, ये भी पिटी है और ये भी पिटी है। पूछो क्यों, क्या हुआ है? डीप फ्रीजर पे चढ़ी हुई थी, ये चढ़ के बैठी डीप फ्रीजर पे, ये चढ़ने की कोशिश कर रही थी। डीप फ्रीजर में बैठ के सेंटर में गिर गया, फिर मुझसे पिटी। और ये भी एक लगाया मैंने इनके फिर डांटा, और जब से इनका मुंह बना हुआ। क्या हुआ मेरा करीब से दिखाना। ओ जी आ रही है जी दोस्तों, तो ये रायता बना है और सैलेड चटनी और मूली। मूली मुझे बहुत अच्छी लगती है, इस मौसम में खाने में मज़ा आता है। और खाना हमें कितनी देर है? मम्मी का राजमा भी बन गया और मैंने इसको टेस्ट किया, मज़े का हो रहा था। ये इसको छेड़ना नहीं, बिस्मिल्लाह। हरी मिर्ची डाली है ना? हाँ। तो देखें खाना हो गया है रेडी, खाना खाएंगे। 9:30 हो गए, लड़के अभी तक आए नहीं है, ये लोग आ जाए तो फिर हम खाना खाते हैं। तो
मैडम चला रही हैं। हेलो, क्या वो सोई नहीं है लोग? अच्छा, सो जाओ बच्चों। और सो रहे हैं, तुम भी यहाँ सो जाना मेरी जगह ही। हाँ, मैंने इसको ये कहा था आज तुम यहाँ सो जाओ और वो तुम्हारी जगह पे सो जाएगी। चलो आज तो दुआएं पढ़ ली, तीनों कल में पढ़ ली है। मुझे दुआएं याद थी, सब पढ़ी। भैया मुझे तो सर्दी लग रही पंखे में यार, पंखा बहुत तेज चल रहा है। चल लाफेज।